search Digipo on YouTube. चक चक चू चू चलो चले हम सब मिलकर एक लंबे सफर पर सफर पर तीन दो एक हम जाएं चक चक तुम जाओ चू 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 मैं जाऊं चक चक तुम जाओ चू चू चक चक चू 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 हम जाएं चक चक तुम चू 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 मैं जाऊं चक चक तुम जाओ चू चू चक चक चू चू पटरी पे दौड़े नई पटरियों को चेक करने के लिए टीटीपो लंबी यात्रा पर निकल गया। नदी के पार ऊंचे पहाड़ों को पार करने के बाद जब टीटीपो घने रेगिस्तान से होकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था वो रेत के एक जबरदस्त तूफान में फंस गया। भाग दो चूचू शहर में छोटी रेलगाड़ियां इकट्ठा हुई हैं। टीटीपो 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 मिस्टर हब क्या टीटीपो से कोई बात हुई नहीं जीनी अभी तक तो बात नहीं हुई क्या टीटीपो को कुछ हो गया है क्या कोई बुरी खबर है अरे नहीं नहीं चिंता की कोई बात नहीं है रात ज्यादा हो चुकी है तुम अपने अपने कमरे में जाओ और थोड़ी देर सो जाओ जी सर क्या कहती हो टीटीपो ठीक तो होगा ना उम्मीद तो यही है सभी को गुड नाइट ठीक है बाय गुड नाइट एरिक गुड नाइट जीनी उम्मीद करता हूँ कि टीटीपो ठीक होगा डीजल होश आ गया तुम्हें ओ तुम कौन हो हाय दोस्त मेरा नाम है जेनी जेनी हाय मैं हूँ टीटीपो लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है पता है तुम मुझे बेहोश मिले इस इलाके में रेत के तूफान आते रहते हैं और आज का तूफान तो बहुत ही जबरदस्त था मैं उसमें से निकल रही थी तभी मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें अपने साथ खींच कर ले आई तो ये हुआ था मुझे बचाने के लिए शुक्रिया बिल्कुल चलो अच्छा है कम से कम तुम्हें होश तो आया इससे पहले मैंने रेत का तूफान नहीं देखा डरावना था इतना भी डर नहीं लगता मैं दूर दूर फैले देशों में सामान लेकर जाती हूँ आमतौर पर मुझे पहुँचने में कई कई दिन लग जाते हैं इसलिए मुझे रेत के तूफान की और बर्फ के तूफान की भी आदत है वाह ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो मैं पटरियाँ टेस्ट करने निकला हूँ यहाँ पहली बार आया हूँ मिस्टर हब से बात करने की फिर से कोशिश करनी चाहिए जरूर मिस्टर हब कोई जवाब नहीं मिला रेत के तूफान की वजह से रेडियो खराब हो गया होगा चलो मेरे साथ आओ ठीक है ओ टीटीपो क्या बात है मुझे अपने चूचू टाउन के दोस्तों की बहुत याद आ रही है तो तुम उदास हो है ना अगर ऐसा है तो मेरे साथ गाओ चक चक चू चू चक चक चू चू फिर से चक चक चू चू चक चक चू चू छोटी रेल चक चक चू चू चलो मिलके चक चक चू चू पटरी पर चक चक चू चू गाए हम चक चक चू चू मस्ती करें चक चक चू चू जोर से गाएं चक चक चू चू 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 टीटीपो जब परेशान हो जाओ तो इसे गाना हाँ ऐसा ही करूँगा टीटीपो अब इस तरफ की पटरी पर चलते जाओ हाँ मुझे इस तरफ से जाना है यहाँ से हम अलग हो जाएंगे बहुत बुरा लग रहा है सुनो जेनी किसी दिन चूचू टाउन आओगी ना ठीक है जरूर आऊंगी जल्दी मिलेंगे हाँ जरूर मिलेंगे हुँ? Thank you.
जेनी से अलग होने के बाद टीटीपो अपने रास्ते पर चल पड़ा। सफर बहुत लंबा था, लेकिन शुक्र है वो ज्यादा परेशानी के बिना अपनी मंजिल पर पहुंच गया। टीटीपो, टीटीपो। उधर चूचू टाउन में सभी दोस्त अब भी टीटीपो के लिए परेशान थे। हेलो दोस्तों। हाय जीनी। टीटीपो का पता चला? नहीं, आज भी कोई खबर नहीं मिली। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा उसके साथ? मुझे विश्वास है वो सही होगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। चलो, अब सोने का समय हो गया है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। छोटी रेलगाड़ी, ये इलाका ड्रैगन दादा का है। बिना मेरी इजाजत यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? माफ करना, मैं तो सिर्फ टेस्ट के लिए निकला हूँ। टेस्ट के लिए? किसी और काम के लिए? मुझे उससे क्या। मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा जब मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम। लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें झट से निकल जाऊंगा, समझ गए ना? क्या? ठीक है। तो हमारी बात तय हो गई है ना? ठीक है, तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ। बताओ, दुनिया की सभी चीजों में से कमाल की कौन सी है, पता है? सबसे कमाल की चीज? ये तो मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ध्यान से सोचो, तुम्हारे सामने भी हो सकती है वो। हाँ, इसका जवाब है डीजल। वो बहुत ही दमदार मालगाड़ी है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? एक छोटी सी जगह जगह मालगाड़ी कमाल की कैसे हो सकती है? लेकिन डीजल बहुत कमाल का है। गलत, इसका जवाब है मैं एक ड्रैगन, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ और ऊपर उड़ सकता हूँ। मैं सबसे कमाल का हूँ, और जैसा तय हुआ था अब तुम्हें निकलने का वक्त आ गया है। टीटीपो, ये तो भयानक सपना है। अगला दिन शुरू हो चुका है। मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है, बाय एरिक, अपनी यात्रा अच्छे से पूरी करना। मिस्टर होप। गुड मॉर्निंग डीजल। मिस्टर होप, क्या आपको लगता है कि भयानक ड्रैगन ने टीटीपो को निकल लिया होगा? क्या? अरे डीजल, ड्रैगन नहीं हुआ करते हैं। नहीं होते? सच में? अगर वो होते तो भी टीटीपो को नहीं खाते है ना? मुझे तो यही लगता है। मैं पता लगाता हूँ टीटीपो के बारे में। चिंता मत करो, काम पर जाओ। ठीक है, आपसे बाद में मिलता हूँ सर। ध्यान से जाना। सभी को टीटीपो की चिंता है। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी और सुरक्षित वापस आ जाएगा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। शुक्र है टीटीपो चूचू टाउन वापस आ रहा है। मैं अब तक घर नहीं पहुँचा हूँ, मुझे दोस्तों की बहुत याद आ रही है। हा? अगर ऐसा है तो मेरे साथ गाओ। आहा, ठीक है, गाना गाता हूँ। चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू, छोटी रेल चक चक चू चू, चले मिलकर चक चक चू चू, दौड़े पची पे चक चक चू चू, गाए हम चक चक चू चू, मस्ती करे चक चक चू चू, जोर से गाए चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू। अब रात हो चुकी है। इस हिसाब से तो टीटीपो को आज शाम तक वापस आ जाना चाहिए था। कहीं ये टीटीपो। ओ, हेलो मिस्टर हब। मैंने कर दिखाया। स्वागत है तुम्हारा। तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, मुझे चिंता हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई थी। शायद रेत के तूफान में मेरा रेडियो खराब हो गया था। ओ टीटीपो, ये मुसीबत बन सकता था। तुम बहुत थक गए होगे, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है, गुड नाइट मिस्टर हब। गुड नाइट टीटीपो।
तुम सुरक्षित वापस आ गए। टीटीपो वापस आ गया है। सब सुनो, टीटीपो वापस आ गया है। क्या कहा उसने? शायद उसने कहा कि टीटीपो आ गया। टीटीपो वापस आ गया है सच में? हाँ, वो देखो। टीटीपो ही है। टीटीपो। हेलो दोस्तों, तुम अब तक जाग क्यों रहे हो? क्योंकि हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी। हम बहुत खुश हैं कि तुम वापस आ गए। टीटीपो, मुझे माफ कर दो, नहाने जाते समय मैं तुम्हारा रास्ता रोकता था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सही सलामत वापस आ गए। मुझे लगा कि मैं तुमसे दोबारा मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हें ड्रैगन ने खा लिया था। मैं बहुत परेशान था। ड्रैगन? डीजल, ड्रैगन सच में नहीं होते। कितने बुद्धू हो तुम। डीजल, तुम भी क्या क्या सोच कर बैठ जाते हो। तुम्हें पक्का पता है कि ड्रैगन नहीं होते? थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। टीटीपो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? कमरे इतने बड़े नहीं है कि दो रेलगाड़ियाँ सो सके। मुझे पता है, लेकिन शायद मैं अंदर चला जाऊँ। मैं सिकुड़ कर अंदर चला जाऊँगा। चूचू शहर के दोस्तों ने टीटीपो का जबरदस्त स्वागत किया। गुड नाइट छोटी रेलगाड़ियों। जेनी का स्वागत है। काम के बाद टीटीपो वापस चूचू शहर पहुँचा। मैं आ गया। बहुत अच्छे टीटीपो। हेलो चीची। कल बड़ी दूर से एक रेलगाड़ी को यहाँ आना है, क्या तुम जाकर उसे ले आओगे? नई रेलगाड़ी? बिल्कुल ठीक, वो दूर दूर तक सामान पहुँचाती है। शायद उसका नाम जेनी है। क्या? जेनी? हाय दोस्त, मेरा नाम है जेनी। तुम इतना हैरान क्यों हुए? क्योंकि जेनी वही रेल है जिसने मुझे रेगिस्तान में बचाया था। ओ अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो जेनी है तो उसे लाने में मजा आएगा। हेलो दोस्तों। हाय टीटीपो। काम खत्म हो गया? हाँ, क्या तुम लोगों ने सुना, कल एक नई रेलगाड़ी आ रही है। हाँ सुना तो है हमने। वो जेनी है, वही रेलगाड़ी जो मुझे रेगिस्तान में मिली थी। वाह, सच में उसने तुम्हें बचाया था। वाह, कितनी अच्छी बात है। वो मालगाड़ी है ना, फिर तो वो बहुत सामान खींच चुकी होगी। लेकिन उतना नहीं जितना मैंने खींचा है। वो जो दूर से आ रही है वो है जेनी। खुशी खुशी चूचू शहर की तरफ बढ़ती हुई। कल तक वो अपने नए घर पहुंच जाएगी और अपने नए दोस्तों से मिलेगी। चूचू शहर में अगला दिन। हेलो मिस्टर हब। हाय टीटीपो, बहुत जल्दी आ गए। मुझे जेनी को लेने जाना है ना? बिल्कुल ठीक, जेनी पहली बार आ रही है, देखना कहीं रास्ता ना भटक जाए। ठीक है, वापस आकर मिलता हूँ मिस्टर हब। ध्यान से जाना। गया। लगता है मैं वहाँ पहुँचने ही वाली हूँ। वहाँ मिलना है। अब तक जेनी को आ जाना चाहिए था। ओ, वो आ रही है। मैं पहुँच गई। ओ, हेलो जेनी। टीटीपो, फिर से मिल गए। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। एक मिनट यहीं रुको। क्या चूचू टाउन जाने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। वहाँ पर क्या है? कहाँ? ओ, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, क्या तुम देखना चाहती हो? जरूर। वाह, यहाँ तो सामान की पहाड़ है। यहाँ से मालगाड़ियाँ सामान को दूसरे देशों में ले जाएंगी। मतलब मुझे भी ये सामान ले जाने का मौका मिलेगा? हो सकता है। वाह, यहाँ फिर किसी और दिन दोबारा आएंगे, अभी चलना चाहिए। ठीक है।
जूजू शहर जाने के रास्ते में जेनी को कई हैरान करने वाले और सुंदर नजारे दिखे। वाह, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। हाँ, अच्छी है ना? इधर उधर ज्यादा मत देखो, ध्यान से चलो। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। बिल्कुल। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अच्छी है ना? हाँ, यहाँ तो चारों तरफ लोग ही लोग हैं और रेलगाड़ियाँ भी नई तरह की हैं। जल्दी तुम्हें इनकी आदत हो जाएगी। पता है, टाउन जाते हुए रास्ते में समुद्र भी दिखाई देता है, तुम वहाँ रुकना चाहोगी? वाओ, मजा आएगा। मेरे पीछे आओ। ठीक है। वाओ, बस थोड़ी ही दूर है, साथ चलती रहो। अरे, जेनी तो अलग रास्ते पर चल पड़ी। कितनी बड़ी फैक्ट्री है। क्यों है ना टीटीपो? कहाँ चला गया? हाँ, वो जा रहा है। शुक्र है टीटीपो मिल गया, जल्दी से उसके पास जाती हूँ। टीटीपो, मैं आ रही हूँ। टाटा, हम पहुँच गए। जेनी, ओ जेनी, जेनी! अरे नहीं, वो खो गई। मुझे उसे ढूंढना होगा। टीटीपो, 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 हम तो समुद्र की तरफ जा रहे थे ना? हाँ, मुझसे बात कर रही हो क्या? तुम तो टीटीपो नहीं हो। समुद्र में कौन जा रहा है और ये टीटीपो कौन है? मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहती हूँ। गलती? कोशिश करना दोबारा ना हो। ठीक है। स्टेशन आ गया। माफ करना। हाय, मुझे चूचू टाउन जाना है, क्या तुम मुझे रास्ता बताओगे? जेनी को ढूंढता हुआ टीटीपो उसी रास्ते पर गया जहाँ से वो आया था। जेनी, जेनी, जेनी! टीटीपो, क्या कोई परेशानी है? थोड़ी देर पहले जो रेलगाड़ी मेरे साथ थी, क्या आपने उसे देखा है? इतना याद है कि यहाँ से तुम दोनों साथ गए थे और उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। शायद वो यहाँ पर वापस नहीं आई। टीटीपो फिर से पटरियों पर दौड़ता हुआ जेनी को ढूंढने लगा। जेनी, जेनी! जरा सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या मुझसे कुछ कहा? जी सर, क्या आपने जेनी नाम की मालगाड़ी को देखा है? मैंने तो नहीं देखा। ठीक है। टीटीपो इतनी आसानी से हार नहीं मानता, वो अब भी हर जगह जेनी को ढूंढ रहा है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। नहीं, वो यहाँ तो बिल्कुल नहीं आई। टीटीपो, लानी। हेलो। हेलो, परेशान लग रही हूँ, सब ठीक तो है? मुझे एक रेलगाड़ी को टाउन लाने का काम सौंपा गया था, लेकिन वो बिछड़ गई। अच्छा, बहुत बुरा हुआ। सफेद रंग की मालगाड़ी है, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। अब क्या करूं? अफसोस, टीटीपो को जेनी के बिना ही चूचू शहर लौटना पड़ा। मैं आ गया मिस्टर हब। ओह, आ गए तुम, बहुत थक गए होगे, लेकिन जेनी दिखाई नहीं दे रही। माफ करना, वो कहीं खो गई मिस्टर हब। क्या, वो कहीं खो गई? लेकिन ये हुआ कैसे? वो हम मिले थे, लेकिन वापस आते हुए। जेनी! हाय टीटीपो। जेनी! तुम कहाँ चली गई थी जेनी? मैं पूरा दिन तुम्हें ढूंढता रहा। मैं आ गया मिस्टर हब। किस्मत से मुझे एरिक मिल गया और अपने साथ ले आया। जेनी भटक गई थी और मुझे स्टेशन पर मिली,
अगर मैं उससे नहीं मिलता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, पूरे रास्ते मेरा ही ध्यान बार बार इधर उधर भटक रहा था। गलती दोनों की है, दोनों को सतर्क रहना था। कभी भी अपना ध्यान मत भटकने दो, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। समझ गए ना? समझ गए जी। चलो जो हुआ सो हुआ। चूचू शहर में तुम्हारा स्वागत है जेनी। शुक्रिया। मैं शहर का स्टेशन मास्टर हूँ, तुम मुझे मिस्टर हर्ब कह सकती हो। ठीक है, मिस्टर हर्ब ही कहूँगी। शाबाश, जल्दी ही मैं तुम्हारे बारे में जान जाऊँगा। देर हो गई है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तुम जेनी को उसका कमरा दिखा दोगे टिटिपो? जी बिल्कुल। गुड नाइट मिस्टर हर्ब। गुड नाइट टिटिपो। एरिक, लगता है तुम्हारे साथ नई दोस्त है। हेलो। देखो ये डीजल है। हेलो, मेरा नाम है जेनी। स्वागत है, मैं भी मालगाड़ी हूँ। हम दोनों की दोस्ती खूब जमेगी, क्यों नहीं। हेलो दोस्तों, ये है मेरी नई दोस्त, इसका नाम है जेनी। हेलो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ जीनी। और मैं हूँ सिंग सिंग, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जेनी। मैं हूँ सेटर, मैं रेलगाड़ियों के डिब्बे लगाता हूँ। और मैं हूँ लोको, तुम्हारी ही तरह सामान लेकर जाता हूँ। हम भी मालगाड़ियाँ हैं। मैं हूँ मैनी। और मैं हूँ बर्नी। मैनी और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमसे भी मिल लो। फिक्स फिक्स, मेरा नाम है फिक्स। लेफ्ट लेफ्ट, मेरा नाम है लेफ्ट। फिक्स और लेफ्ट, लेफ्ट और फिक्स। चक चक चू चू, चक चक चू चू, सब गाओ। चक चक चू चू, चक चक चू चू, छोटी रेल चक चक चू चू, मिलकर चले चक चू चू। वाह, तुम्हें ये गाना कैसे आता है? हमें ये टीटीपो ने सिखाया है। मस्त कर चक चक चू चू, जोर से गाए चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू। सुबह गाए चक चक चू चू, शाम में गाए चक चू चू, यहाँ वहाँ गाए चक चू चू, हर जगह गाए चक चू चू। जेनी सुरक्षित वापस चूचू शहर पहुंच गई और छोटी रेलगाड़ियों ने उसका दिल से स्वागत किया। इतने अच्छे दोस्तों से मिलकर जेनी को बहुत अच्छा लगा। जीनी की नई दोस्त। काम पूरा करने के बाद जीनी वापस चूचू शहर पहुंच गई। काम पूरा हो गया, अब मैं क्या करूं? मौसम अच्छा है, फूलों को देखने जाऊंगी। तुम्हें पता है बहुत मजा आया। टिटिपो और टीजल, उनसे कहती हूँ साथ चले। हाय दोस्तों। हुआ था उस दिन। हाय जीनी। हेलो, अभी क्या कर रहे हो? चलो फूलों को देखने चलते हैं। फूलों को देखने? अरे कुछ ही दिन पहले तो गए थे उसे देखने हम। जानती हूँ, लेकिन आज मौसम अच्छा है और मैं आ गई। हाय दोस्तों। हेलो जेनी, तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ। अच्छा दोस्तों, समुद्र के किनारे चलोगे? एक बड़ा जहाज वहाँ से निकलेगा। वो सच में? फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, हम सब वहाँ चलते हैं। जरूर। तुम भी हमारे साथ आ रही हो ना जीनी? तुम सब जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा, मजे करना। ठीक है, बाय। जीनी, लगता है जीनी को बोट्स पसंद नहीं है। शायद नहीं, चलो चले। हाँ। जेनी हमेशा बीच में टांग अड़ाती है। कल भी उसने। सुनो दोस्तों, आज मेरे साथ एक मजेदार बात हुई। क्या हुआ? बताती हूँ। हाय दोस्तों। एक बात बताऊँ तुम सबको? आज फिक्स और लिफ्ट ने मुझे एक नया गाना सिखाया, सुनना चाहते हो? क्यों हाँ, नहीं बिल्कुल। चा चा चू चू, स्टेशन से जब जाएंगे, जाने कैसे खेत खलिहान रास्ते में आएंगे। वो हमेशा बीच में क्यों आती है? जीनी। जी मिस्टर हर्ब। तुम जरा मेरे पास आओगी प्लीज? जरूर, मैं बस अभी आई, पता नहीं क्या काम आ गया। हाय जीनी। जेनी। कहाँ जा रही हो तुम? मिस्टर हर्ब ने मुझे बुलाया है। जीनी, अभी मैं जल्दी में हूँ, बाय। ठीक है। मिस्टर हर्ब, मैं आ गई। ओह, आओ।
जीनी, अगले काम के लिए तुम्हें लंबी यात्रा पर जाना होगा। वाह, मुझे लंबी यात्रा पर जाना होगा, मजा आएगा। तुम तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मैं हमेशा बहुत दूर जाना चाहती थी, मेरा सपना सच हो गया। ठीक है, पहली बार दूर जा रही हो इसलिए तैयारी कर लो। जी मिस्टर हब। टीटी पो और जैनी से पूछ लो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, जैनी से तो कभी नहीं पूछूंगी। अगले दिन जीनी टीटी पो के पास आई। टीटी पो, आखिरकार मैं लंबे सफर पर जा रही हूँ। लंबे सफर पर? वाह, बधाई हो जीनी। शुक्रिया। ये बताओ, बहुत दूर जाना कैसा होता है? मुश्किल है? हाँ, होता है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, लेकिन कितना मुश्किल? तुम रेतीले तूफान में फंस सकती हो। रेतीला तूफान? हाँ, रेगिस्तान में इतने जबरदस्त रेतीले तूफान होते हैं कि आंखें नहीं खुल पाती। और पता है, कई दिनों तक तुम नहा भी नहीं पाओगी। सच में? और रात होने पर अंधेरे में अकेले चलना पड़ता है, इसलिए बहुत डर लगता है। तो बताओ मैं क्या करूं? क्या करोगी? हाँ, तुम जेनी से पूछ लो, वो बहुत बार दूर दूर जा चुकी है। जेनी? अब मैं क्या करूं? क्या जेनी से ही पूछना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मैं जेनी से कोई मदद नहीं लूंगी। जेनी? हाय जेनी। सुना है तुम लंबे सफर पर जा रही हो, बधाई हो। मुझे पता है तुम कब से ये करना चाहती थी। हाँ। हाँ, क्या बात है जीनी, किसी बात को लेकर परेशान हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ। जीनी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अभी मैं चलती हूँ। बाय। रुको जीनी। हाँ? क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। लंबी दूरी पर जाना क्या सच में मुश्किल होता है? मुश्किल? किसने कहा मुश्किल होता है? टीटी पो ने कहा मुझसे, रेगिस्तान में। हाँ, चिंता मत करो जीनी, बस पूरी तैयारी के साथ जाना। तैयारी? हाँ, कल तुम्हारी छुट्टी है ना? हाँ। तो क्यों ना कल हम अच्छे से तैयारी कर ले, मेरी भी कल छुट्टी है। ओह नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे इतना मत सोचो, तैयारी बहुत जरूरी है, कल मिलते हैं। ओह हाँ। टीटीपो। अगले दिन जिनी और जेनी जीनी की पहली लंबी यात्रा के लिए तैयारी करने लगे। ठीक है, पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रेत के तूफान में क्या करते हैं। हाँ। रेत के तूफान में सामने देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तब घबराना नहीं चाहिए। घबराओगे तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हो। अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे तो क्या करूं? तूफान चाहे जितना भी तेज हो, बस चलती रहो, लाइट्स ऑन कर लो और धीरे धीरे बस आगे चलती रहो। बस चलती रहूं, लाइट्स ऑन कर लूं और धीरे धीरे आगे बढ़ूं। हाय जीनी। हाय जेनी। तो तुम आ गई। चायो, रोकी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए? तुम्हारे लिए। जेनी ने हमें बुलाया तुम्हारी मदद के लिए, इसीलिए हम खास तुम्हारे लिए यहाँ पर आए। कितने अच्छे हो तुम। शुक्रिया दोस्तों, लेकिन तुम कैसे मदद करोगे? रोगी और मैं रेत का तूफान बनाएंगे। तूफान? चलो दोस्तों, जल्दी से अपना काम शुरू कर दो। ठीक है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपनी आंखें खोलो, लाइट्स ऑन कर दो और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहो। हाँ, कोशिश करती हूँ। बस इतना बहुत है दोस्तों। ठीक है। बहुत अच्छा किया जीनी। तुम सच कह रही हो जेनी? बिल्कुल, मैं जानती थी कि तुम अच्छा करोगी। मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन जानते हो, तुम पर चारों तरफ रेत लग गई है। अरे रेत तो तुम पर भी है। क्या? अब जाकर नहा लेते हैं। जीनी जरा रुको। क्यों? अगर लंबी दूरी पर जा रही हो तो रेत और मिट्टी की आदत होनी चाहिए। लंबे सफर पर कई बार नहाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए आज बिना नहाए रहो। क्या अजीब बात है,
बिना नहाए मैं कैसे रह पाऊंगी? दूसरी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करो। चलो हम शहर से दूर चलते हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। शहर से दूर? वहाँ से आते आते देर हो जाएगी। अंधेरे में पटरी पर दौड़ने से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो चले। शाबाश। जीनी और जेनी शहर से दूर चल पड़ी। वाह, देखो जीनी कितने सुंदर फूल हैं। वाह, कितने सुंदर हैं। हवा भी अच्छी चल रही है। हाँ, मेरा तो गाने का मन कर रहा है। ये कौन सा गाना गा रही हो? ये वही गाना है जो मैंने कल तुम्हें सुनाया था। अच्छा, क्या तुम फिर से गा सकती हो? हाँ। चा चा चू चू स्टेशन से जब जाएंगे, जाने कैसे नजारे रास्ते में आएंगे। चा चा चू चू दूर दूर हम जाएंगे, वहाँ के खतरों से लड़कर हम जीत के आएंगे। चलते रहो और बताओ ना, बढ़ते रहो, शायद मुझे आता है। चा चा चू चू चलो चले हम सब मिलकर एक लंबे सफर पर। सफर पर, 3 2 1 हम जाएं चक चक, तुम जाओ चू चू चू, मैं जाऊँ चक चक, तुम जाओ चू चू चक चक चू चू चू, हम जाएं चक चक, तुम चू 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 चू, मैं जाऊँ चक चक, तुम जाओ चू चू चक चक चू चू, पटरी पे दौड़े। मैं अंधेरे में अकेले होंगी, सोचकर डर लग रहा है। जेनी, तुम्हें कभी डर लगा? हाँ, मुझे भी लगा था, लेकिन मुझे रात को पटरियों पर बिना डरे दौड़ने का एक तरीका मालूम है। अच्छा, कौन सा तरीका है? बस आसमान को देखो। क्या, आसमान को? अच्छा है ना? हाँ। जब रात में सफर करो तो सोचो कि सितारे तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। सभी टिमटिम करते तारे तुम्हारे साथ ही बन जाते हैं। टिमटिम करते तारे? हाँ, वो तारों का झुंड टिटिपो जैसा लग रहा है। मुझे दिखा, वहाँ पर डीजल भी है और बीच में है मिस्टर हब। चलो बाकी दोस्तों को भी ढूंढते हैं। ठीक है। जीनी और जेनी चूचू शहर वापस आ रहे हैं। शुक्रिया जेनी। हा? आज तुम्हारी छुट्टी थी और मेरी वजह से तुम आराम नहीं कर पाई। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? सच कहूँ तो जब से मैं चूचू शहर आई हूँ, तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए मैंने तुम्हें समुद्र के किनारे चलने के लिए कहा था। अच्छा दोस्तों, समुद्र के किनारे चलोगे, एक बहुत बड़ा जहाज वहाँ से गुजरेगा। मैंने ये सोचकर नया गाना भी सीखा कि उसे साथ साथ गाएंगे तो हमारी दोस्ती और अच्छी हो जाएगी। मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें गलत समझती रही, लेकिन मुझे खुशी है कि अब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। सच? बिल्कुल सच। जब मैं लंबी यात्रा से वापस आऊंगी तो साथ साथ वक्त बिताएंगे। हाँ, हम बहुत सारे गाने गाएंगे और बहुत मजे करेंगे। मजा आएगा, लेकिन जेनी अगर तुम्हें एतराज ना हो तो पहले नहा ले। जरूर। जीनी और जेनी नई दोस्त बन गई। उम्मीद करते हैं उनकी दोस्ती बढ़ती जाएगी।